तू तो जब यूके गया था तब तो हालात बहुत अच्छे थे, तू 2 साल पहले गया था, तू तो चीज़ों की एक्सप्लेन मत करना, हालात अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे मेरी लास्ट वायरल वीडियो पे। तो दोस्तों इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो रिसेंटली अभी ग्रेजुएशन या अपनी डिग्री कम्प्लीट कर रहे हैं वो जो भी इंतजार करें या अपने घर से बाहर ना निकलें। अगर आप जितने भी 8 मिलियन के करीब लोग पाकिस्तान से बाहर जो है ना मौजूद हैं, उनसे जिस भी पूछ रहा हूँ वो यही आपसे कहेंगे कि तुम लोग बाहर मत आना, तुम यूके ना आना, कैनेडा ना आना, अमेरिका मत आना, दुबई ना आना, सऊदी ना आना, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। वो लेकिन वो खुद कभी भी पाकिस्तान अभी तक नहीं है। अच्छा जो है वो अपना सोर्स तलाश करके वो जॉब करी जा रहे हैं, अच्छे घर पैसे भेजे जा रहे हैं। तो क्यों ना हम देखने वाले खुद अपने चीज़ों को खुद एनालिसिस करें कि इर्द गिर्द में हो क्या रहा है, अब्रॉड में हो क्या रहा है। हर बंदा डेली मैकडोनल्ड से नहीं खाता, लेकिन हर बंदा कभी नहीं सोचता। तो क्यों ना हम खुद जॉब ट्रेंडिंग जो चल रही है मार्केट में उसको हम फॉलो करें और एक अच्छे के लिए आसमीन बने एक दूसरे के लिए। क्यों ना हम कमेंट बॉक्स में अपनी सिटी का बताएं खुद कि मेरे पास 20 आर जो है जो मेरे शहर में मौजूद है, मेरे कम्युनिकेशन में मौजूद है, या मेरे पास फुल टाइम जॉब मौजूद है। तो क्यों ना एक दूसरे की हेल्प आउट करें, क्यों ना हम एक अच्छी कम्युनिकेशन बने, दुनिया को बताएं कि हम लोग आज भी एक कौम हैं और एक दूसरे को हमेशा मोटिवेट ही करना जानते हैं। कि सोशल मीडिया से जो भी नेगेटिविटी फैल रही है हम उससे खुद को पीछे करें और एक अच्छी मोटिवेशन एक दूसरे के लिए बने। क्यों ना आप इस वीडियो को मेरी अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हो सकता है किसी का भला हो जाए, किसी को जॉब मिल जाए फुल टाइम या पार्ट टाइम, जो परेशान है उसकी कुछ परेशानी कम हो जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा।